हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल शाइस्ता एंड जामी ब्लॉग्स। यूँ तो भद्रक का मौसम पिछले दो दिनों से बिगड़ा हुआ है और आज तो सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मुहर्रम के जुलूस के जोश व खरोश में कोई कमी नहीं है। बूढ़े जवान सभी के हौसले बुलंद नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मुहर्रम की फजीलत, उसकी ग्रेटनेस आपके सामने पेश करूं, मैं एक बात कहता चलूं कि इस वीडियो में दिखाई गई तमाम चीज़ों से मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ब्लॉगर के तौर पर मैं सिर्फ आपके सामने पेश कर रहा हूं और उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। मुहर्रम अरबी वर्ड तहरीम से और तहरीम हुरमत से निकला है। हुरमत जिसके लफ्जी माने इसके मीनिंग होते हैं इज्जत, अजमत व एहतराम के, यानी ऑनर, ग्रेटनेस एंड रिस्पेक्ट। इस बिना पर मुहर्रम का मतलब एहतराम और अजमत वाला है, क्योंकि ये महीना बड़ी अजमत और फजीलत यानी ग्रेटनेस और एक्सेलेंस का है, इसलिए इसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। ऐसे तो मुहर्रम का पूरा महीना ही मुबारक है, पवित्र है, मगर इस महीने में आशूरा का दिन तमाम दिनों में बेहतर और अफजल है। आशूरा का मतलब दसवां होता है। ये दिन चूँकि दसवीं को आता है, यानी दस मुहर्रम, इसलिए इसे आशूरा कहते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस्लामिक हिस्ट्री के कई अहम वाक़यात इसी महीने में पेश आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि इस्लाम के कई अहम वाक़यात इस महीने में पेश आए, बल्कि इस्लाम से पहले भी इस महीने के अंदर बहुत सारे अहम वाक़यात पेश हुए हैं। इनमें से चंद का ज़िक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। इस महीने में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। ये वही महीना है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान नूह के बाद जूडी नामी पहाड़ के करीब आकर ठहरी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई हासिल हुई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तवील बीमारी के बाद शिफा नसीब हुई। इसी महीने में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन और आले फिरौन से इस तरह निजात मिली थी कि अल्लाह ताला ने फिरौन समेत इसकी फ़ौजों को दरियाए कुलजुम में गर्क कर दिया। ये वही महीना है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया।
दोस्तों, ये तमाम वाक़यात जो कि तारीख़ी किताबें इसकी शाहिद हैं, 10 मुहर्रमुल हराम को यानी आशूरा के दिन पेश आई थी। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस बहाने आपने भद्रक के मुहर्रम को भी करीब से देखा। ये कितना सही है कितना गलत है ये आप पे छोड़ता हूं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग शाइस्ता अंजामी ब्लॉग्स।